किया था, रायपुर में भी जाके हम लोगों ने भी समर्थन दिया था। कितने हमारी बहने जो है मौत के गाल में भी समा गई, उसके बावजूद भी सरकार के काम में जू नहीं रह रही है। इसलिए मैं आप लोग से कहना आया हूँ कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग, हम हमेशा गांव गरीब किसान मजदूर की आवाज उठाने वाले लोग हैं, और जिस दिन सरकार बनाने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे, आप लोग की सभी मांगे जो है एक झटके में पूर्ण होगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का ये नारा है कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, समान कार्य के लिए समान वेतन, हक जो है समानता का अधिकार जो संविधान में मिला हुआ है वो लागू होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी आप लोग के आंदोलन में साथ है, हम लोग हर जिले में जा जाके समर्थन कर रहे हैं, हमारे जिले के लोग रायपुर में, जगदलपुर में, हर जगह जाके समर्थन कर रहे हैं। तो आप लोगों से भी अपील है कि आने वाले समय में ये पूंजीपतियों के सरकार जो है, पूंजीपतियों के साथ सहयोग से चलने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करोगे, तभी जो है हम लोग की समस्या का जड़ सहित समाधान होगा। यही आशा उम्मीद करते हुए आप लोग अपनी लड़ाई जारी रखें, हम लोग आपके साथ हैं, रोड से लेकर के सदन तक की लड़ाई आपके साथ हम लोग लड़ेंगे। यही उम्मीद करते हुए हम लोग और आगे जाना है, आप लोग के यहाँ पर देख करके हम आपके समर्थन के लिए आ गए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ही हमको आंदोलन करने का भी अधिकार दिया, संगठन बनाने का अधिकार दिया, अन्याय के खिलाफ में लड़ने का अधिकार दिया, संविधान में आप महिलाओं को वोट का अधिकार दिया, नौकरी करने का अधिकार दिया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर महिलाओं को अधिकार नहीं दिया होता, इस देश में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाती, आज राष्ट्रपति आदिवासी बेटी नहीं बन पाती। ये संविधान की ताकत है, इसलिए आप लोगों को इस संविधान निर्माता की जय जयकार करना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने हमको यहाँ पर समय दिया, हमारी बात को सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। हिंदू बंजारे जी भी आपके जैसी एक गरीब घर की बेटी है और बहुजन समाज पार्टी